मछली के कबाब और करीम्स का लजीज खाना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। 100 साल से भी पुरानी जगह जो साल 1913 में हाजी करामुद्दीन ने एक छोटे से स्टॉल पर शुरू किया था, वो आज बन गया है करीम्स होटल। So I've come to Kareem's today and we come here because of the rich history that Kareem's has in Delhi. And the food so far has been amazing. I've never had sheikh kebab like this in my life. I'm waiting for the biryani now and hopefully the biryani will be live up to the name as well. We have heard about this place from my father who's actually from Pakistan. They have come over here after the partition over here. So they have enjoyed this place. I just wanted to come and see how the place is. This is the first time I'm coming. It's superb. I'm really enjoying this. करीम्स की कामयाबी के पीछे एक और वजह है कि यहाँ के ओनर खुद जैन साहब यहाँ की किचन से लेकर रेसिपीज तक सब कुछ खुद संभालते हैं। इतने सालों बाद भी यहाँ के खाने में कोई कमी नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि जैन जी को अपने खाने वालों का ख्याल खूब अच्छी तरह से रखना है। करीम 1913 से इसी जगह पर खुला हुआ है। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था और मैं चौथी जनरेशन में से हूँ जो यहाँ इसको देखभाल कर रहे हैं। करीम्स एक फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेंट है जो चार हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जगह रोटियां बनती हैं, एक जगह रोस्टेड आइटम जहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, एक जगह सिर्फ कबाब बनते हैं और चौथी जगह जहाँ पे सिर्फ ग्रेवीज बनती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं किए क्योंकि लोग आमतौर से जो ज़माने में उनके जो उस दौर के लोग थे, यानी हम तो फोर जनरेशन में से, तो जो हमसे पहले दो तीन जनरेशन के लोग आते थे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये ओरिजिनल जगह पर हम आके खाना खा रहे हैं। तो ऐसा कोई हमारे साथ मसला नहीं होता कि भाई कोई पहचाने ना पहचाने। तो हमने इसको लोगों की जो एंटिक टाइप की चीज़ है उसको ऐसे ही रखा हुआ है यहाँ अभी तक, उसको बरकरार। इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, और जगहों पर हमने थोड़ा चेंज किया है, लग्जरी कर दिया। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर पहले थी, जैसे आज भी हम कोलों पर ही बनाते हैं। पहले गैस वगैरह जैसे यूज होती है, हम गैस बने कोलों पर ही बनाते हैं आज भी हमारे यहाँ। Enough to be dining with the one and only Zain Saab, who's the owner of this place. So Zain Saab, बताइए कि आज यहाँ पे क्या-क्या पेश है? ये मटन कोरमा है हमारे यहाँ, तो सिग्नेचर डिश है करीम की। हाँ। स्टार्ट करते हैं ड्राई से। मटन कोरमा है, ये तंदूरी चिकन है, ये सीख कबाब है, ये ब्रेन करी है, ये गुर्दा कलेजी है, ये मटन स्टू है, ये बादाम पसंदा है, ये मटन कीमा है, ये मटन कोरमा है, ये टमाटर गोश्त है, ये चिकन करी है। चिकन करी, हाँ। ये पोर्शन जो है ये सारा वेजिटेरियन है, ये बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है। इसमें ये पालक पनीर है, ये दाल मखनी है, ये शाही पनीर है, ये पनीर टिक्का है। सीख कबाब को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये, दिस इज क्रम्बलिंग व्हाइल इवन आई एम पिकिंग इट अप। अमेजिंग, द फ्लेवर इन इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नाउ वी आर गोना ट्राई द फेमस तंदूरी चिकन। इसका मसाला ये कितना सॉफ्ट है, आई थिंक एवरीथिंग मेक्स दिस द परफेक्ट परफेक्ट स्टार्टर टू योर मील। सिर्फ कबाब ही नहीं, करीम्स की करीज भी लोगों का दिल खुश कर देती है, अब चाहे वो गुर्दा कलेजी हो, खीमा या प्रेम करी। This is a typical Indian aesthetic. It's a little chewy, but it melts in your mouth and it's very soft. I'm not a big paneer fan, but after eating this, अब हम ट्राई करेंगे इनकी एक थोड़ी स्पेशल रोटी जिसको कहते हैं भाकर खानी। द एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंग दिस रोटी विद द मटन एनहांसेस द टेस्ट इवन मोर। कहते हैं करीम्स पे आके खाना तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक तुम यहाँ की सबसे पसंदीदार स्वीट डिश नहीं ट्राई कर लेते, जो है यहाँ पे अर्दन पॉट से निकली हुई खीर। दिखने में जितनी लाजवाब, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा लाजवाब। This is the perfect end to the brilliant, brilliant treat that you've eaten as food here.